इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं सरफेस टेंशन के बारे में। देखिए, सरफेस टेंशन होती है वो होती है ड्यू टू अनबैलेंस कोहेसिव फोर्स की वजह से लिक्विड में, क्योंकि यदि लिक्विड की ये फ्री सरफेस है, मान लीजिए ये लिक्विड है, इसकी ये फ्री सरफेस है, एक मॉलिक्यूल यहाँ पे है तो इस मॉलिक्यूल पे इस डायरेक्शन में भी फोर्स लगाएगा, ये मॉलिक्यूल इस डायरेक्शन से, इस डायरेक्शन से, इस डायरेक्शन से, मान लेते हैं चार मॉलिक्यूल फोर्स लगा रहे हैं तो ये बैलेंस में है। वैसे यदि एक मॉलिक्यूल लिया जाए तो उस पर हर डायरेक्शन से फोर्स लगता है, कोहेसिव फोर्स, और वो बैलेंस में रहता है। पर हमारे कन्वीनियंट के लिए हम मान लेते हैं इसमें चार डायरेक्शन से फोर्स लग रहा है। यदि कोई मॉलिक्यूल एच हाइट नीचे है सरफेस से, लेकिन जो मॉलिक्यूल सरफेस पे होते हैं, देखिए उनके साथ क्या होता है, इस डायरेक्शन से फोर्स आएगा, इस डायरेक्शन से फोर्स आएगा, इस डायरेक्शन से भी फोर्स आएगा, यानी कि ये वाला फोर्स तो बैलेंस हो जाता है, लेकिन नीचे वाला फोर्स डोमिनेंट हो जाता है और उस मॉलिक्यूल को नीचे खींच लेता है। इसी तरह इसमें भी यही होगा और इसमें भी यही होगा। तो उस वजह से क्या होता है, जो सरफेस फ्लैट रहनी चाहिए आपकी, वो कर्व की फॉर्म में हो जाती है। ये होता है ड्यू टू अनबैलेंस कोहेसिव फोर्स। और यदि हम कुछ एग्जांपल लें, समझ लीजिए कि एक हमारे पास कोई सरफेस है, फॉर एग्जांपल ले रहे हैं, ये फ्री सरफेस है, यहाँ पे हम एक वायर पुट करते हैं इसके ऊपर। तो वायर रखने से क्या होगा, देखिए जैसे ही हम वायर पुट करेंगे तो ये सरफेस जो फ्लैट थी वो कुछ इस शेप में आ जाएगी, आएगी ना। देखिए ये वायर पुट किया मैंने, उस वजह से क्या होगा, इधर पे स्ट्रेस आएगी और इधर पे भी स्ट्रेस आएगी। इसमें ये वाला एंगल जो होगा वो थीटा होगा और ये वाला एंगल भी थीटा होगा, इस वजह से इसका एक कंपोनेंट आएगा, समझ लीजिए स्ट्रेस आ रही है सिग्मा, सरफेस टेंशन सिग्मा आ रही है, इस वजह से इसके कंपोनेंट आएंगे इस वायर की वजह से, ये आएगा सिग्मा कॉस थीटा, ठीक इसी तरह आएगा सिग्मा कॉस थीटा, इधर पे आएगा सिग्मा साइन थीटा और इस थीटा की वजह से आएगा सिग्मा साइन थीटा। जब हम किसी वायर को पुट करते हैं किसी सरफेस पे, फ्री सरफेस पे, तो उसमें स्ट्रेस जनरेट होती, समझ लीजिए एक रस्सी है जिस पर कि आप कपड़े डालते हैं, तो उसमें क्या, इधर पे स्ट्रेस एक लाइन में आएगी स्ट्रेस, उसके दो कंपोनेंट बनेंगे सिग्मा साइन थीटा और सिग्मा कॉस थीटा। ठीक इसी तरह यदि हम कोई वायर को, मान लीजिए एक सरफेस है, फ्री सरफेस है, इसमें हम वायर को पुट करेंगे तो उसमें स्ट्रेस इधर पे आएगी, इधर पे आएगी, इधर पे आएगी, इधर पे आएगी, यानी कि सब डायरेक्शन में उसमें स्ट्रेस आने वाली है। ये है फ्रंट व्यू, ये है टॉप व्यू, तो ये सारी स्ट्रेस रहने वाली है। ये होता है सरफेस टेंशन की वजह से। तो सरफेस टेंशन को हम डिफाइन कर सकते हैं सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया, और डिफाइन कर सकते हैं सरफेस फोर्स पर यूनिट लेंथ। क्योंकि देख लीजिए ये वायर जो मैंने पुट किया उस वजह से एक लेंथ में ये फोर्स आ रहा है, यानी कि इस पर जो फोर्स लगने वाला है वो लेंथ में लगने वाला है, इसीलिए तो इसकी यूनिट होती है न्यूटन पर मीटर, और यदि इन टर्म ऑफ एनर्जी बोलते हैं तो ये होती है जूल पर मीटर स्क्वायर, यानी कि जो सरफेस फोर्स लगता है उसको लाइन फोर्स भी बोलते हैं, क्योंकि ये फोर्स लग रहा है वो एक लाइन में लग रहा है, इसीलिए सरफेस टेंशन होती है जो वो होती है ड्यू टू अनबैलेंस कोहेसिव फोर्स, और ये फोर्स होता है लाइन फोर्स। तो इसको हम बोल सकते हैं इट इज अ लाइन फोर्स एंड इट इज डिफाइंड एज द फोर्स पर यूनिट लेंथ, क्योंकि पर यूनिट पे लगेगा ना। देखिए ये वायर पुट किया तो उसमें एक लाइन बनने वाली है मात्र, यदि इसको हम थोड़ा और बड़ा बनाएं तो ये जो बनने वाला वो एक लाइन में बनने वाला है, यानी कि इस पे फोर्स लगेगा, तो इसको ये लगता है पर यूनिट लेंथ पे। और देखिए जब जो फोर्स लगने वाला है वो लगने वाला है लिक्विड सरफेस के परपेंडिकुलर, जो नॉर्मल फोर्स लगने वाला है ड्यू टू सरफेस टेंशन वो लगता है लिक्विड सरफेस के नॉर्मल, लिक्विड सरफेस, ये लिक्विड सरफेस है तो इसके परपेंडिकुलर ये फोर्स लगता है। ठीक है, जो सरफेस टेंशन होती है वो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाता है सरफेस टेंशन कम होती जाती है, क्योंकि जो मॉलिक्यूल होते हैं उनके बीच में जो कोहेसिव फोर्स लग रहा होता है उसकी वैल्यू कम होती जाती। और इसी तरह यदि सॉल्टी वाटर है, जैसे कि समुद्र का पानी सी वाटर, उसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है, क्यों, क्योंकि जो सॉल्टी वाटर होता है उसमें सरफेस टेंशन ज़्यादा होती है। इसीलिए तो एक फेमस क्वेश्चन है कि जब जहाज समुद्र से नदी में जाते हैं तो ज़्यादा डूब जाते हैं, उसका रीज़न ये ही रहता है क्योंकि समुद्र का पानी खारा होता है, सॉल्टी वाटर होता है, उस वजह से उस पर जो बायंसी फोर्स लग रहे होते हैं जहाज पर वो ज़्यादा लग रहे होते हैं,
जबकि जो पानी में जाता है वहां पे डेंसिटी कम हो जाती है, यानी कि सरफेस टेंशन कम हो जाती है, उसकी वजह से डेंसिटी कम होती है और जहाज ज्यादा पानी के अंदर चले जाते हैं। इसका रीजन यही है, सरफेस टेंशन मेन रीजन है। तो देखिए ये तो बात हो गई सरफेस टेंशन की वजह से ये होती है ड्यू टू अनबैलेंस कोहेसिव फोर्स, इसको हम लाइन फोर्स भी कह सकते हैं, या फिर ये बोल सकते हैं कि फोर्स पर यूनिट लेंथ, या फिर ये भी डिफाइन कर सकते हैं सरफेस टेंशन इज डिफाइंड एज द सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया। सरफेस टेंशन घटती है यदि टेम्परेचर बढ़ता है या फिर सॉल्ट कंटेंट बढ़ता है तो सरफेस टेंशन बढ़ती है। इसी तरह जब हम पानी में डिटर्जेंट मिलाते हैं तो उस वजह से सरफेस टेंशन कम होती है। यदि कुछ एप्लीकेशन की बात करें सरफेस टेंशन की, तो देखिए सरफेस टेंशन के एप्लीकेशन क्या है। सरफेस टेंशन जो फॉर्मेशन ऑफ ड्रॉपलेट्स बबल्स इन सब का फॉर्मेशन होता है सरफेस टेंशन की वजह से, जो कैपिलरी एक्शन होती है वो भी सरफेस टेंशन की वजह से होती है, जो ट्रीज में वाटर का सर्कुलेशन होता है वाटर्स का वो भी ड्यू टू सरफेस टेंशन फिनोमेना की वजह से होता है, या कैपिलरी राइज होता है जो माइक्रो कैपिलरीज होती हैं उनमें भी ये होता है सरफेस टेंशन की वजह से। देखिए अब मैं आपको एक बढ़िया एग्जांपल दे रहा हूँ, समझ लीजिए हमारे पास कोई चैनल है, ये आपको समझने में मदद करेगा कि क्यों हम सरफेस टेंशन में हमेशा दो सरफेस लेते हैं। देखिए समझ लीजिए हमारे पास कोई एक चैनल है, ठीक है, यहाँ पे एक मूवेबल फ्रेम लगा हुआ है, यानी कि इस फ्रेम को हम मूव कर सकते हैं, ये हमारे पास इनिशियली ये सरफेस था, इसकी लेंथ है एल, टोटल लेंथ हो जाएगी एल। अब क्या करते हैं, इधर पे सरफेस टेंशन मैंने बता दिया, सरफेस टेंशन होती है सिग्मा, ये सरफेस टेंशन रहेगी और जो फोर्स लगेगा वो सरफेस के परपेंडिकुलर लगेगा, मैं पहले ही आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। देखिए ये वाली जब हम समझ लीजिए ये वाला एरिया ए था, ए वन एरिया था, ए वन मान लीजिए, जब हम फ्रेम को इस साइड मूव करेंगे, इस साइड मूव करेंगे यानी कि फ्रेम को हम कुछ यहाँ पे लेके आएंगे तो एक नया सरफेस जनरेट होगा, ये सरफेस मान लीजिए ये है डी एक्स, तो स्ट्रेस तो इधर पे लगेगा सिग्मा, ये सिग्मा लगेगा और इधर पे लगेगा नॉर्मल फोर्स, ठीक है। तो हम पहले ही बात कर चुके हैं सिग्मा इज इक्वल टू होता है एफ एस बाय एल, और तो हम इसको लिख सकते हैं एफ एस इज इक्वल टू सिग्मा इंटू एल। देखिए अब ये जो एल है यदि हम इस फ्रेम को ड्रॉ करते हैं तो उस केस में क्या होता है, देखिए इनिशियली हमारे पास ये फ्रेम था, इनिशियली इतना फ्रेम था, अब ये मैंने जो लिखा सिग्मा इंटू एल, सिग्मा इस डायरेक्शन में लगी थी इस पे और ये टोटल लेंथ है एल। अब मैं इसको ऐसे लिखूंगा एफ एस इज इक्वल टू सिग्मा इंटू एल मल्टीप्लाइड बाई टू, ये टू का मैंने मल्टीप्लाई क्यों किया है, जब आप कागज को देखते हैं ना तो इसमें दो सरफेस होते हैं, एक आगे वाला सरफेस और एक पीछे वाला सरफेस, देखिए इसमें दो सरफेस होते हैं इसीलिए मैं टू का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, एक आगे वाला सरफेस हो जाएगा, ये जो लेंथ है ये थिकनेस होती है बहुत ही कम होती है, इसी वजह से दो सरफेस बनते हैं, एक आगे वाला सरफेस बनता है और एक पीछे वाला सरफेस बनता है, उसी वजह से मैंने यहाँ पे टू का मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम लिख सकते हैं फॉर इक्विलिब्रियम कंडीशन F इज इक्वल टू एफ एस, ऐसा लिख सकते हैं। देखिए अब जो एरिया बना है वो बना A2, नया एरिया बन गया A2, आपको समझ में आ गया होगा ये मैंने 2 का मल्टीप्लाई क्यों किया, इसमें दो सरफेस बनते हैं, एक आगे वाला सरफेस एक पीछे वाला सरफेस, देख सकते हैं आप, इसीलिए मैंने 2 का मल्टीप्लाई वहां पे कर दिया। तो अब देखिए डी एक्स एरिया हमारे पास आ गया, तो हम एरिया को लिख सकते हैं, जो एरिया हमारे पास फॉर्म हुआ है dx इंटू एल, ये हमारे पास क्या आ गया एरिया, किसका एरिया आ चुका है, जो हमारे पास नया सरफेस बना है जो हमने चैनल को मूव किया उस वजह से एक ये वाला एरिया आया है हमारे पास, ठीक है। तो इस वजह से क्या होगा, सरफेस की एनर्जी बढ़ जाएगी कुछ, और यदि हम टोटल सरफेस ए तो सरफेस एरिया आ गया हमारे पास किस वजह से, ड्यू टू फ्रेम को मूव करने की वजह से, ये आगे वाला सरफेस आ गया, पीछे वाला सरफेस भी यदि हम लिखना चाहते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, टोटल सरफेस एरिया बोल सकते हैं उसको, टोटल सरफेस एरिया
तो उसमें टू का मल्टीप्लाई करके मैं लिख सकता हूँ, ऐसा लिख सकता हूँ, क्योंकि ये हमारे पास टोटल सरफेस एरिया है, वो सरफेस एरिया कितना फॉर्म हुआ है वो है dx इनटू l, और ये वाला एरिया है ये हमारे पास टोटल एरिया है, ठीक है। अब क्या लिख सकते हैं, वर्क डन किस वजह से हुआ है, जो हमने सरफेस एरिया को मूव किया है वो कितना होगा, F इंटू एल, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, वर्क डन, सॉरी इसको मैं dx लिख दूंगा क्योंकि हमने उसको मूव किया है dx से, तो इसको मैं dx लिख सकता हूं। यदि हम बात करते हैं dx की, dx कितना इंक्रीज होगा, एक आगे इंक्रीज होगा और दूसरा पीछे इंक्रीज होगा, दोनों सरफेस पे dx बढ़ने वाला है, तो मैं लिख सकता हूं इसको fs इंटू dx क्योंकि मैं पहले ही लिख चुका हूं, और जो हमारे पास सरफेस फोर्स आया है, सरफेस फोर्स, और फिर बोल सकते हैं या फिर ड्यू टू सरफेस टेंशन वो फोर्स आया हमारे पास fs, जिसको कि हम पहले इक्विलिब्रियम कर चुके हैं, f फोर्स है, ये f फोर्स होता है, ठीक है। तो fs को मैं जैसे लिख सकता हूं सिग्मा इंटू एल, fs की जगह पे मैं लिख दूंगा सिग्मा इंटू एल, सिग्मा इंटू एल, एल को मैं 2 से ऑलरेडी मल्टीप्लाई कर चुका हूं इसलिए मैं 2 लिख दूंगा, इंटू dx मैं लिख सकता हूं। देखिए यहां पे जो मैंने मल्टीप्लाई किया वो टोटल सरफेस एरिया निकालने के मल्टीप्लाई किया है, ये 2 कहां से आया मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, तो ये हो जाएगा सिग्मा इंटू ए, इंक्रीज इन सरफेस एरिया, और इसको हम बोल सकते हैं डेल ए, डेल ए बोलिए ज्यादा सही आएगा, सिग्मा इंटू डेल ए, क्योंकि ये एरिया हमारा बड़ा हुआ एरिया है। तो ये हो जाएगा वर्क डन, सरफेस एरिया को बढ़ाने में हमने कितना वर्क डन किया, तो इस तरह आता है जो सरफेस टेंशन आती है सिग्मा, वो आती है सिग्मा इंटू डेल ए, और तो हम इसको लिख सकते हैं सिग्मा इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन डेल ए लिख सकते हैं, तो यही होती है, देखिए मैं पहले ही बता चुका हूं सरफेस एनर्जी, और सरफेस एनर्जी क्या होती है, ड्यू टू वर्क डन की वजह से सरफेस एनर्जी आएगी पर यूनिट एरिया। यदि हम इन टर्म ऑफ फोर्स लिखना चाहें तो सिग्मा इंटू एल लिखेंगे, और देखिए इसमें टू एरिया बनते हैं, इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, इसमें जब हम इस फ्रेम को मूव करते हैं तो आप एक कागज ले लीजिए, उस सबको बढ़िया समझ में आ जाएगा आसानी से, एक सरफेस आगे बनता है और दूसरा जो सरफेस बनता है वो पीछे वाला सरफेस बनता है, इसीलिए कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, इसीलिए हम यहाँ पे टू का मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे एरिया डेल एक्स इंटू एल तो बड़ा है लेकिन टोटल सरफेस एरिया बड़ा है, टू इंटू डेल एक्स इंटू एल। तो इस तरह हम कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि ये प्रूफ हो चुका है सरफेस एनर्जी होती है, एनर्जी और वर्क डन का वर्क सेम हो जाएगा और डेल ए हो जाएगा, और सरफेस फोर्स पर यूनिट लेंथ वो आप जान ही चुके हैं, सरफेस फोर्स पर यूनिट लेंथ आपको पता चल चुका है। तो इस तरह हम सारी कैलकुलेशन करते हैं सरफेस टेंशन की, क्योंकि अब ये हो चुका है, यही तो होती है सरफेस एनर्जी, वर्क डन करने में जितनी एनर्जी आई है पर यूनिट एरिया, यही तो मैंने इनिशियली आपको समझाया था, डेफिनेशन भी यही थी। तो इस तरह हम कैलकुलेट करते हैं सरफेस एनर्जी, और ये सारी कैलकुलेशन होती है क्योंकि इसमें एरिया दो होते हैं, इसलिए हम इसमें टोटल एरिया की बात करते हैं, एरिया की बात ना करके हम टोटल एरिया की बात करते हैं। तो ये आपके पास फाइनली आ चुका है। तो सरफेस टेंशन किस वजह से होती है, ड्यू टू अनबैलेंस कोहेसिव फोर्स, और जो सरफेस टेंशन फोर्स लगता है उसको लाइन फोर्स भी बोलते हैं। लाइन फोर्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो पर यूनिट लेंथ पर लगता है, पर यूनिट लेंथ पर लगता है। तो इसी तरह इसको डिफाइन कर दिया कि हमने फोर्स पर यूनिट लेंथ, ये होती है सरफेस टेंशन, ये होती है ड्यू टू अनबैलेंस कोहेसिव फोर्स। सरफेस टेंशन कब बढ़ती है, सरफेस टेंशन बढ़ती है यदि हम उसमें NaCl का कंटेंट बढ़ा दें, और सरफेस टेंशन कब घटती है, जब हम टेम्परेचर बढ़ाएं या फिर डिटर्जेंट मिला दें तो सरफेस टेंशन कम हो जाती है। अब देखिए इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल हम नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे, और अब नेक्स्ट लेक्चर में हम जो बात करने वाले हैं वो रहेगी इंक्रीज इन प्रेशर और प्रेशर इन डॉपलेट ड्यू टू लिक्विड जेट और इन लिक्विड जेट, ये सारी हम प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं किस केस में, नेक्स्ट लेक्चर में, और इससे रिलेटेड प्रॉब्लम भी सॉल्व करेंगे तो आपको और आसानी से समझ में आ जाएगा। तो होप आपको वीडियो
समझ में आ गया होगा। और सरफेस टेंशन किस वजह से होती है, क्या होती है सरफेस टेंशन, वो सारी चीजें आपको पता लग चुकी होंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यदि आप और वीडियो देखना चाहते हैं, और चैनल पर जाकर भी आप और वीडियो देख सकते हैं। चैनल का नाम है मैकेनिकल माइंड। थैंक यू।